Hello students, welcome to online class. It is English grammar book of class 2. In our previous video, we have studied chapter 3, the noun. Means, हमने अपने previous video में, पिछली video में, chapter 3, संज्ञा के बारे में पढ़ा था. So, in this video, we are going to do the exercise of this chapter. और हम इस video में, इस chapter का exercise करने जा रहे हैं. तो चलिए start करते हैं. क्वेश्चन नंबर ए, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. कह रहा है कि इन पिक्चर्स को देखिए और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए. द वर्ड्स यू विल फिल इन द ब्लैंक आर ऑल कॉमन नाउन्स. कह रहा है कि जो भी वर्ड आप इसमें फिलअप करोगे वो सब कॉमन नाउन होने चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ही इज अ, वह है. वह क्या है, क्या दिख रहा है इसमें फिगर में आपको? तो हम लिखेंगे ही इज अ डॉक्टर. अब डॉक्टर वर्ड से आपका पूरे डॉक्टर जाति का पता चल रहा है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, डॉक्टर कॉमन नाउन. ओके, नेक्स्ट आपका द गर्ल हैज अ. गर्ल के पास क्या है, लड़की के पास क्या है? सी इज अ डॉल. द गर्ल हैज अ डॉल. तो डॉल आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन. नेक्स्ट आपका दिस इज अ, ये क्या है फिगर में आपको क्या दिख रहा है, बर्ड. तो लिखेंगे हम दिस इज अ बर्ड. तो इससे चिड़िया जाति का बोध हो रहा है बर्ड से, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन. नेक्स्ट आपका ही इज अ, क्या दिख रहा है आपको फिगर में, किंग. तो लिखेंगे हम ही इज अ किंग. ओके, तो किंग आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन. नेक्स्ट आपका दीज और, ये क्या है फिगर में, दीज आर डॉग्स. तो डॉग वर्ड से आपके पूरे कुत्ते जाति का बोध हो रहा है, कुत्ते जाति का पता चल रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, ये कॉमन नाउन हो गया. डैट इज अ, फिगर में क्या दिख रहा है आपको, डैट इज अ टेम्पल. तो यहाँ आप टेम्पल फिलअप करोगे, टेम्पल आपका हो जाएगा कॉमन नाउन. ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पुट द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स. कह रहा है कि ये जो सब दिए गए हैं वर्ड्स, वो सारे क्या है, कॉमन नाउन्स है. और कुछ हेडिंग्स दिए गए जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. तो जो जिसमें आता है उसके नीचे हम उसको लिख देंगे. तो पहला आपका डक. डक मीन्स क्या होता है, बत्तख. तो बत्तख किस में आता है, बर्ड्स में आता है. तो हम बर्ड इस हेडिंग के नीचे लिख देंगे डक. नेक्स्ट आपका बनाना. बनाना आपका किस में आता है, थिंग्स में आता है. तो हम थिंग्स के नीचे लिख देंगे बनाना. नेक्स्ट आपका स्कूल. स्कूल आपका किस में आता है, स्कूल एक जगह है जहां हम पढ़ने जाते हैं. तो स्कूल को हम किस में लिखेंगे, प्लेस के नीचे. ओके, नेक्स्ट आपका टीचर. तो टीचर क्या है, इंसान है. ठीक है ना, तो सारे इंसान किस में आते हैं आपके, पर्सन में आते हैं. पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति. व्यक्ति या इंसान एक ही होता है. तो टीचर आपके किस में आ जाएगा, पर्सन में. नेक्स्ट आपका विलेज. विलेज मीन्स गांव. गांव मीन्स जहां लोग रहते हैं. तो वो क्या हो गया, एक जगह हो गया ना. तो विलेज को हम प्लेस के नीचे लिख देंगे. नेक्स्ट आपका चेयर. चेयर आपका किस में आ जाएगा, थिंग्स में आ जाएगा, क्योंकि ये बैठने की चीज़ है. मैन. मैन भी आपका इंसान में आएगा, पर्सन में आएगा. ओके, पैरट आपका बर्ड्स में जाएगा. मैंगो आपका थिंग्स में जाएगा. हॉर्स आपका एनिमल में जाएगा. टेम्पल मीन्स मंदिर. मंदिर भी आपका किस में जाएगा, प्लेस में जाएगा. ठीक है ना, मंदिर एक जगह है. काऊ आपका एनिमल में जाएगा. ट्री आपका थिंग्स में. जू. जू आपका प्लेस में जाएगा. ठीक है ना. बॉय आपका पर्सन में जाएगा. रिवर आपका थिंग्स में जाएगा. बर्ड. ब्रदर आपके किसमें आएगा, पर्सन में. ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच मीन्स क्या होता है, शुतुरमुर्ग. सबसे बड़ा चिड़िया है ये. ठीक है ना, तो ये किसमें आएगा, बर्ड्स में आएगा. जोकर. जोकर कौन होता है, इंसान होता है ना. तो ये आपका किसमें आ जाएगा, पर्सन में. ओके, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कह रहा है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें आपको प्रॉपर नाउन को पहचान कर लिखना है. प्रॉपर नाउन क्या होता है,
किसी व्यक्ति, जानवर, जगह या किसी का कोई स्पेशल नाम, ठीक है ना। तो और ये हमेशा प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इससे तो आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो अजीत, अजीत क्या है, एक नाम है, किसी लड़के का नाम है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, इसको अंडरलाइन कर देंगे। मुंबई, मुंबई भी आपका स्पेशल नेम है किसी सिटी का, इसलिए ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द रेड फोर्ट इज एन ओल्ड बिल्डिंग। तो इस सेंटेंस में आपका क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, लाल किला नाम है ना, और ये कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आपका गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस में गांधी जी क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। और इसमें इंडिया भी कैपिटल लेटर से है ना, और इंडिया हमारे देश का नाम है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, तो कोलकाता सिटी का नेम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और इंडिया भी क्योंकि ये कंट्री नेम है। नेक्स्ट आपका रिया एंड नेहा आर गुड फ्रेंड। तो रिया और नेहा दोनों क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। ओके, द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। तो इसमें गंगा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आपका द रामायण इज़ अ हॉली बुक ऑफ हिंदू। तो रामायण क्या है, नाम है ना, किसी बुक का नाम है, और हिंदू धर्म का नाम है, रिलीजन का नाम है। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आपका नैनी लेक, नैनी झील इज़ इन नैनीताल, मीन्स नैनी झील कहाँ है, नैनीताल में है, तो नैनी झील का नाम है, ठीक है, और नैनीताल आपका शहर का नाम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंट पीक इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है ना, तो माउंट एवरेस्ट नाम है किसी पर्वत का, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स। अब हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन। तो आपने देखा कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हैं। ओके, तो ये आपका इजी हो जाएगा इसमें प्रॉपर नाउन ढूंढने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देयर आर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन द बॉक्स बिलो। कह रहा है कि नीचे कुछ कॉमन और प्रॉपर नाउन दोनों दिए गए हैं, राइट देम अंडर द करेक्ट कॉलम। आप इसको चूज करिए और उसको सही कॉलम के नीचे लिखिए, आपको पता करना है कि कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, और पता करके उसके नीचे लिखना है। द फर्स्ट वन इज जॉन। जॉन नाम है ना, किसी लड़के का नाम है, इसलिए किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, तो उसको आप इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जुलाई, जुलाई भी आपका मंथ नेम है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। ओके, इसको भी आप इसके नीचे लिख देंगे। बुक, बुक मीन्स किताब, तो किताब का कोई स्पेशल नाम नहीं, जैसे हमारा ईवीएस होता है, कंप्यूटर होता है, जीके होता है, तो कोई इसका स्पेशल नाम नहीं है, बस ये बुक है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम सी, इसको हम कॉमन नाउन के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका राइस, राइस मीन्स चावल, तो चावल भी कई तरह के होते हैं, बासमती चावल होता है और कई तरह के राइस होते हैं, तो इसमें बस आपका राइस लिखा है, कोई इसका स्पेशल नाम नहीं लिखा है, इसलिए आपका किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, इसको भी आप इसके नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका हाउस, हाउस के भी नाम होते हैं, जैसे मल्होत्रा हाउस, सिंगानिया हाउस। ओके, तो इसमें कोई नाम नहीं दिया है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका कॉमन नाउन में, तो इसको भी आप यहाँ नीचे लिख देंगे कॉमन नाउन में। संडे, संडे आपका क्या है, डे नेम है, ये किस में आ जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन में। ओके, नेक्स्ट आपका लखनऊ, तो लखनऊ भी आपका क्या है, सिटी नेम है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। कार, कार भी, कार के भी अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना,
तो ये आपका किस में आ जाएगा? कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, ओनली कार दिया है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में. ओके, नेक्स्ट रिवर. रिवर मीन्स नदी. तो कई तरह की नदियाँ भी अलग अलग होती हैं, उनका अपना अपना नाम होता है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा. तो यहाँ कोई नाम नहीं दिया है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में. ओके, नेक्स्ट आपका पेंसिल. पेंसिल भी कई तरह का होता है, कोई नटराज होता है, कोई डोंग होता है. तो इसमें कोई नाम नहीं दिया है, तो इसलिए किस में आ जाएगा आपका? कॉमन नाउन में. इसको भी आप इसके नीचे लिख देंगे. ताजमहल. ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है ना, तो ये नाम है स्पेशल, तो ये किस में आ जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन में. ओके, नेक्स्ट आपका शूज. शूज में जूते. जूते भी आप जूते के भी नाम होते हैं, ठीक है. तो इसका कोई नाम नहीं दिया है, ओनली शूज दिया है, तो आपका किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में. ओके, सैमसंग. सैमसंग एक नाम है, ठीक है ना. तो इस ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. माउंटेन. माउंटेन मीन्स पर्वत. तो पर्वत तो कई सारे होते हैं, लेकिन कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, तो इसको हम किस में लिखेंगे? कॉमन नाउन में. एटलस. एटलस भी नाम है, ठीक है ना. एटलस साइकिल होता है ना, तो ये नाम है, इसलिए इसको हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन में. मैसूर. मैसूर भी क्या है? सिटी नेम है, इसके लिए इसको हम इसको लिखेंगे प्रॉपर नाउन में. कंगारू. कंगारू क्या है? एक जानवर है, एनिमल है, ठीक है ना. तो ये जैसे डॉग्स होते हैं ना, तो कि कोई मतलब डॉग का स्पेशल नाम है नहीं, तो वो किस में जाएगा आपका? कॉमन नाउन में. इसी तरह कंगारू भी आपका किस में जाएगा? कॉमन नाउन में. ओके, नेक्स्ट आपका पंजाब. तो पंजाब एक स्टेट नेम है, ठीक है ना, मीन्स एक राज्य का नाम है. तो ये किस में आ जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन में, ठीक है ना. तो आप जो प्रॉपर नाउन में होगा उसको प्रॉपर नाउन में लिख देना, जो कॉमन नाउन में होगा उसको कॉमन नाउन में. ओके, और आप एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि जितने भी प्रॉपर नाउन हैं सभी आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, जैसे जॉन, जुलाई, लखनऊ, संडे, ताजमहल, पंजाब, मैसूर, एटलस, सैमसंग. ओके, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. सो हियर योर चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड एंड योर होमवर्क इज़ लर्न दिस चैप्टर. थैंक यू.